बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डेमोंस्ट्रेट सर्जिकल नीडल्स। सर्जिकल नीडल्स आर नेसेसरी फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सूचर्स इन टिश्यूज। दे मस्ट बी डिजाइन टू कैरी सूचर मटेरियल थ्रू टिश्यूज विद मिनिमल ट्रामा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सूचर नीडल आर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, शार्पनेस, डक्टिलिटी। स्ट्रेंथ यह है कि इसके लिए नीडल के लिए अच्छी क्वालिटी की एलॉय यूज हो। स्टेबिलिटी द नीडल परफॉर्मेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे द नीडल बिहेव इन द ग्रास्प ऑफ द नीडल होल्डर। अब जो इसकी बॉडी है ना, जहां पे हमने नीडल होल्डर को अप्लाई करना है, कि इसका प्रिंसिपल क्या है, फ्रॉम द टू थर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द नीडल, यहाँ से आप आएंगे और ये टू थर्ड इसका बनेगा, तो यहाँ पे नीडल होल्डर को आपने अप्लाई करना है। तो इसकी शेप इस तरह हो ताकि यहाँ नीडल होल्डर जो है इसको इजीली ग्रास्प कर सके, और ग्रास्प करने के बाद वो स्टेबल रहे। ठीक है, नीडल जो है नीडल होल्डर के अंदर जो है वो जब उसको पकड़ ले, ठीक है, तो वो स्टेबल रहे। दूसरी बात यह है कि आपने एक प्रिंसिपल यूज किया यहां से यहां तक, ठीक है, और टू थर्ड फ्रॉम द टिप, ठीक है, और सेकंड ये है कि शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द नीडल इज सच दैट इट इज स्टेबल इन द ग्रास ऑफ द नीडल होल्डर। दूसरी जो चीज है वो क्या है, शार्पनेस है, शार्पनेस ऑफ द नीडल। इसका क्या मतलब है कि नीडल विद अ बॉडी, इस बॉडी के साथ, ठीक है, needle with a body that gradually tapers to a sharp point, ठीक हो गया, ऐसे gradually taper करेगी towards a sharp point, making the smallest possible hole in the tissue। hole तो बनाएगी लेकिन tearing नहीं करेगी tissue की, ठीक है। so this is known as the sharpness, this characteristics of the needle is known as a sharpness। तो sharpness भी होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए कि वो टिश्यू को टियर तो ना करे लेकिन स्मॉल होल बनाए, ठीक है। तीसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसको कहते हैं, रेफर्स टू द नीडल रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग अंडर अ गिवन अमाउंट ऑफ बेंडिंग। इट विल बेंड बिफोर इट ब्रेक्स, यानी बेंडिंग की जो क्वालिटी है नीडल की, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये फोर करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, एक आइडियल सूचर नीडल की। अच्छा, अब हमने पार्ट्स देखने हैं, ठीक है। पार्ट्स जो है वो नंबर वन है स्वेज्ड। स्वेज्ड वो पोर्शन है, ये थ्रेड आपको नजर आ रहा है और ये जो है ना स्वेज्ड पोर्शन है, यहाँ पे थ्रेड अटैच होता है, इसको हम स्वेज्ड पोर्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो बॉडी है, यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये बॉडी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट एरिया आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि नीडल कटिंग है, ठीक है, राउंड बॉडी है, रिवर्स कटिंग है, ये वाला कटिंग पोर्शन होता है, ठीक है, कटिंग पोर्शन होता है। टिप जो है वो पेनेट्रेट करती है टिश्यू में से, लेकिन कटिंग पोर्शन जो है वो टिश्यू का ये होता है, इसकी वजह से वो इजिली पियर्स करता है, ठीक है ना। तो नीडल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्वेज्ड बॉडी एंड पॉइंट। सो नीडल स्वेज की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इस पे कैसे होती है। नंबर वन क्या है, क्लोज्ड आई, आपको ऐसी नीडल मिल सकती है जो क्लोज्ड आई हो, फ्रेंच आई इसको कहते हैं, ठीक है। और तीसरी जो है स्वेज्ड, जो अभी हमने देखा, ठीक है, इसके अंदर वो ड्रिल करते हैं, ठीक है, और ये अटैच होता है, ठीक है। यहाँ आपने खुद डालना है थ्रेड को, ठीक है, सूचर मटेरियल को इसमें भी खुद डालना है, जबकि ये जो है मैन्युफैक्चरर इसमें स्वेज्ड जो नीडल होती है उसमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से पहले से प्रिपेयर आपको पैक शक्ल में मिलती है, ठीक है। अब देखें, सिंगल आर्म वन नीडल स्वेज्ड टू अ सूचर स्ट्रैंड, और डबल आर्म टू नीडल स्वेज्ड टू अ सूचर स्ट्रैंड। यहाँ भी नीडल है, यहाँ भी नीडल है, थ्रेड है दरमियान में, ठीक है, प्रोलीन का जो मटेरियल है हमारे पास वो क्या कहते हैं अपना
नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो डबल नीडल की शक्ल में हमें मिलती है, ठीक है। सो डबल आर्म और सिंगल आर्म, यानी एक नीडल होगी, ठीक है, सिंगल आर्म, और अगर दो नीडल होंगी तो उसको हम डबल आर्म कहेंगे, ठीक है। सो अब आ जाते हैं बॉडी ऑफ द नीडल पे। बॉडी ऑफ द नीडल जो है वो आप इसको देखिए, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ नीडल, नीडल को हम कहेंगे 1/4 सर्कल, 3/8 सर्कल, 1/2 सर्कल कहेंगे, 5/8 सर्कल। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं अगली स्लाइड में। हम इस सर्कल को क्या करते हैं, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ये 8 पार्ट्स में। अब यहां से हमने नीडल को स्टार्ट किया 1 और 2 पार्ट पे, तो 2/8 हो गया, तो इसका मतलब है इस नीडल को हम क्या कहेंगे, 1/4 सर्कल, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाएगी 3/8, क्योंकि हमने इसमें 3 पार्ट्स को इंक्लूड किया, तो ये नीडल का जो कर्वेचर यहां से यहां तक जाएगा, थ्री पार्ट्स को इंक्लूड करेगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ 3/8। नेक्स्ट इज 1/2 सर्कल, ठीक है, यानी हमने 4 पार्ट्स को आउट ऑफ 8 को इंक्लूड किया, 4/8 मीन 1/2, सो इट इज नोन एज अ 1/2 सर्कल नीडल। अच्छा, अब हम एक और पार्ट भी इंक्लूड करते हैं, 5th पार्ट, तो 5th out of 8, दिस इज अ 5/8 जो है ना, इस नीडल को हम कहेंगे, ठीक है। सो वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है। अब देखें इस डायग्राम को, आपको समझने में आसानी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय द बॉडी ऑफ द नीडल, बॉडी का कर्वेचर कैसा है, तो हमने सर्कल की हेल्प की मदद से, इसकी वजह से हमने क्या किया, इसको समझा। अब देखें 1/4, ठीक है, 3/8, 1/2 सर्कल एंड 5/8 सर्कल। स्ट्रेट नीडल भी अवेलेबल है, ठीक है, 1/2 कर्व भी है, कंपाउंड कर्व भी है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज जो ओरल सर्जरी में हमारे पास नीडल्स हैं वो क्या है, 3/8 सर्कल है और 1/2 सर्कल नीडल्स हैं। 3/8 में, 1/2 सर्कल में कटिंग भी है, कन्वेंशनल कटिंग भी है, रिवर्स कटिंग भी है, राउंड बॉडी भी है, लेकिन हम ओरल सर्जरी में आगे बात करते हैं, रिवर्स कटिंग जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ द नीडल आ गया, जो तीसरा पार्ट था ना, पहला पार्ट था स्वेस्ट, दूसरा था बॉडी, तीसरा था पॉइंट, तो अब पॉइंट पे हम नीडल को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है कन्वेंशनल कटिंग, ठीक है, कन्वेंशनल कटिंग, दूसरा है रिवर्स कटिंग, तीसरा है टेपर पॉइंट, चौथा है ब्लंट। तो अब देखें हम इसको समझते हैं, कन्वेंशनल कटिंग को पहले लेंगे। ये देखें, ये जो है नीडल का इनसाइड पोर्शन है, ये जो कनकेव पोर्शन है इनसाइड, ये कन्वेक्स पोर्शन जो है ये आउटसाइड पोर्शन है, ठीक है। तो इनसाइड पोर्शन जो है, अगर इस पॉइंट वाला एरिया, देखें जो कटिंग एरिया होगा वो पॉइंट वाला होगा, ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ द नीडल इस पे हम क्लासिफाई करें, तो जो कटिंग पोर्शन होता है वो बॉडी में कटिंग नहीं होती, नीडल का जो कटिंग पोर्शन है वो पॉइंट में होता है। तो पॉइंट में अगर वो कटिंग इनसाइड होगी, ठीक है, इनसाइड ऑफ द नीडल, तो वो इस तरह, अगर क्रॉस सेक्शन आप इसका लेंगे तो आपको ये इस तरह एक ट्रायंगल सी नजर आएगी, इट मींस दिस डोनेट्स द कटिंग एरिया। तो जब इस जगह पे कटिंग होगी ऑन द इनसाइड ऑफ द नीडल, तो दिस इज नोन एज अ कन्वेंशनल कटिंग। अच्छा, अब जो ये रिवर्स कटिंग है, अगर कटिंग इस एरिया में होगी, कटिंग वाला पोर्शन जो है वो इस एरिया में होगा, ऑन द आउटसाइड ऑफ द नीडल, देन दिस इज नोन एज अ रिवर्स कटिंग। अच्छा, टेपर पॉइंट में क्या होता है कि ये इस जगह पे भी कटिंग नहीं होती, इस जगह पे भी कटिंग नहीं होती, तो फिर क्या होता है, राउंड बॉडी होता है, ये राउंड होता है, बिल्कुल गोल होता है, जैसे देखें ये गोल नजर आ रहा है, और ये छोटा सा डॉट जो है बेसिकली डिनेट्स द इंडिकेट्स दिस टिप, ये टिप को इंडिकेट कर रहा है। तो राउंड बॉडी या टेपर पॉइंट में क्या होता है, ना इनसाइड कटिंग होती है ना आउटसाइड कटिंग होती है, बल्कि ये राउंड होते हैं और टिप इसी तरह होती है। ब्लंट में क्या होता है कि इनसाइड भी राउंड होता है, आउटसाइड भी राउंड होता है, लेकिन टिप भी क्या होती है, राउंड होती है,
ब्लंट होती है, इसलिए आपको छोटा सा डॉट इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो सो हमने पॉइंट ऑफ द नीडल पे जो क्लासिफिकेशन की है वो क्या है, कन्वेंशनल कटिंग, रिवर्स कटिंग, टेपर पॉइंट और ब्लंट है। अब कन्वेंशनल कटिंग को दोबारा देख लेते हैं। कटिंग ऑन द इनसाइड होगा, ठीक है, देखें कटिंग ऑन द इनसाइड, ये पोर्शन, ये कटिंग, ये इसका जो पॉइंट है इसकी कटिंग ऑन द इनसाइड आएगा, ठीक है। रिवर्स कटिंग में क्या है कि कटिंग ऑन द आउटसाइड, टिश्यू कट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, द टेपर पंक्चर। अब इस डायग्राम में हम देख लेते हैं टेपर पंक्चर, लेफ्ट बाय द सूचर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वुंड एज एंड देयरफॉर टिश्यू टियरिंग इज लेस कॉमन। ये जो टिश्यू कट है इसका मतलब ये है कि टिश्यू टियरिंग इज ग्रेटली रिड्यूस। देखें जब इस नीडल को देखें, ये भी रिवर्स कटिंग है, इसका ये वाला पोर्शन पॉइंट वाला जो है वो कटिंग बता रहा है, ठीक है, ठीक है। ये देखें इन्वर्टेड ट्राइंगल है, ये वाला पोर्शन जो है, ये आउटसाइड वाला पोर्शन जो है ये कटिंग है, दिस इज नोन एज अ रिवर्स कटिंग, ठीक है। ये इनसाइड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये फ्लैट है, इसमें कटिंग नहीं है। तो यह है कि जब वुंड का जो मार्जिन होता है ना वो इस रिवर्स कटिंग में वुंड मार्जिन इस तरफ होता है, ठीक है। जब आप टिश्यू में ये डालते हैं तो मार्जिन जो होता है, एज जो होता है वुंड का, दैट इज अवे फ्रॉम द कटिंग, रिवर्स कटिंग इससे। सो टीयरिंग ऑफ द वुंड एज और वुंड मार्जिन इज ग्रेटली रिड्यूस बाय यूजिंग द रिवर्स कटिंग नीडल, ठीक है। ये रिवर्स कटिंग नीडल से रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, टेपर पॉइंट या राउंड बॉडी जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक्सप्लेन किया, इसकी जो टिप है, दिस इज द टिप ऑफ द नीडल, ये इसी तरह होती है जैसे कि कटिंग में और रिवर्स कटिंग में होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो बाकी पॉइंट का पोर्शन है वो इन और आउटसाइड पे ये क्या होता है, राउंड होता है। सो इट पियर्स द टिश्यू विदाउट कटिंग, इट प्रेफर्ड when the smallest possible hole in the tissue and minimal tissue cutting are desired. Intestinal anastomosis, fascia closure में as well as cardiovascular surgery में ये use होता है, ठीक है। अच्छा, अब blunt point है, when less tissue tearing is required, ठीक है। जैसे for example less tissue tearing when taper point, when blunt point is used, ठीक है ना। देखें जो taper point है इसमें भी less tissue tearing होगी, ठीक है, and you can use in fascia closure, ठीक है, और delicate area में इसको use कर सकते हैं, और blunt में तो उसकी tip भी blunt हो गई है, so it will pierce without cutting it. Excellent for friable tissues like the liver, spleen, and kidneys. Thank you. Wish you best of luck.